हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड तो स्टेटमेंट वन हमें दिया हुआ है सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है सेप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी गई है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में ये एक तरीके का ड्रॉबैक कह लीजिए आप इकोलॉजिकल पिरामिड का कि ये एक मेजर ड्रॉबैक है जो उन्होंने सेप्रोफाइट्स को जगह नहीं दी किसी इकोलॉजिकल पिरामिड में दूसरा है कि सेप्रोफाइट्स डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एन इकोसिस्टम तो बच्चों ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सेप्रोफाइट्स हैव वाइटल रोल सेप्रोफाइट्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द इको सिस्टम तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है सेप्रोफाइट्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और वाइटल रोल होता है इको सिस्टम में पर ऑल दो सेप्रोफाइट्स जो हैं वो आपको इकोलॉजिकल पिरामिड में एक मेन रीज़न ये है कि नहीं देखने को मिलते क्योंकि जो इकोलॉजिकल पिरामिड हैं वो सिर्फ़ एक फूड चेन को डिपेक्ट करते हैं उसमें सिर्फ आपको एक फूड चेन दिखती है जो कि नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में फूड वेब आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा बजाय कि एक फूड चेन के कि जैसे हमने कहा कि ग्रास को गोट खा रही है तो सिर्फ ग्रास को गोट नहीं खा रही है ग्रास को खाने वाले एन नंबर्स ऑफ एनिमल हैं और वहीं जैसे हम बोल रहे हैं कि जो गोट है उसको लाइन खा रहा है तो ऐसा नहीं होता कि गोट को सिर्फ लाइन ही खाएगा गोट को खाने वाले एन नंबर्स ऑफ एनिमल हैं तो इस तरीके से ये सिर्फ ऐसी फूड चेन को डिपेक्ट करता है जो कि बहुत ही ऐ, मतलब नेचर में एग्जिस्ट ज़्यादातर नहीं करती ये इसके कुछ लिमिटेशन uh, हैं आप कह लीजिए इकोलॉजिकल पिरामिड के तो ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत है उसके बाद हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर दोनों को करेक्ट बोला गया है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा यहाँ वन को करेक्ट और टू को इनकरेक्ट बोला गया है तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ स्टेटमेंट वन इज़ इन तो वन तो करेक्ट है हमारा ये गलत हो जाएगा दोनों को इनकरेक्ट बोला है ये भी गलत हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट